भी चलो, दो कदम हम भी चलें, मंजिले प्यार की फिर आएंगी चलते चलते दो कदम। किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। एक गांव है फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में, कीकर वाला रूपा। मलोट से जब आप फाजिल्का की रोड पर जाते हैं तो फाजिल्का से 6 किलोमीटर पहले बाईं ओर ये गांव होता है और इसमें मुख्यतः जाट लोग खेती करते हैं। बहुत समृद्ध किसान है और इधर की जो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज मुझे मिली वो मिली कि इन लोगों का रहन सहन और इन लोगों के घर देखकर और किस प्रकार ये रहते हैं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, मकान बहुत सुंदर बनाए हुए हैं और अच्छी खेती करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः धान और कपास की खेती, इसका एक मुख्य कारण है इनकी जमीन जो है वो थोड़ी मोटे रेत वाली है और इनका वाटर लेवल लगभग 16 से 18 फीट पर है। लेकिन इस जमीन में जब पानी देते हैं तो वो पानी अच्छी तरह निकल जाता है, लेकिन जब बरसात अधिक होती है तो कहीं कहीं दिन तक खेत में पानी रह जाता है। एक किसान विनोद सिहाग जी हैं जो कुछ दिन पहले मेरे फार्म पर आए थे और वो एक साल से मुझे वाच कर रहे थे। उन्होंने 1.5 वर्ष पहले ये अमरूद का बाग लगाया, हिसार सफेदा 18x18 पर। ये पौधा देखिए, ये 1.5 वर्ष का पौधा है। अब इन्होंने क्या किया कि जब 18x18 पर लगा तो शुरू में जब इतनी दूरी पर आप लगाते हैं तो आपको खेत खाली नजर आता है, तो किसी ने सलाह दी कि इन दो पौधों के बीच में ये पौधा देखिए और ये पौधा देखिए, इनके बीच में दो पेड़ और लगवा दिए इलाहाबादी सफेदा के, 6-6 पेड़ पर। दूरी हो गई 18x6। जैसे जैसे पेड़ बड़े होने लगे इनको समस्या आने लगी। इनकी समझ में नहीं आया कि इन दो पौधों को कैसे मैनेज करें। इस जो 18 फीट पर पौधे थे इनकी थोड़ी कटिंग की थी इन्होंने, कैनोपी बनाने की कोशिश की। ये देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने कटिंग कर दी थी और अच्छी शाखाओं का चयन किया और अच्छे चला। अगर यही काम ये सितंबर के पहले हफ्ते में कर लेते हैं अब कुछ काम, तो इस वक्त पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। खैर, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार हमारे फार्म पर आइए। मैंने कहा भाई देखो, इतनी दूर जाने का खर्चा लगता है, ये शहर से तैयार हुई है और पढ़े लिखे हैं, पुराने ग्रेजुएट आदमी हैं साइंस के। तो अब मैंने देखा कि ये पानी किस तरह देते हैं। ये देखिए, इसमें यहाँ पर इन्होंने पानी दिया है और ये एक नाली बनाई हुई है, तो बीच के हिस्से में नहीं देते, यहाँ पानी दे देते हैं और कभी कभी इसे खोलकर पूरी इसमें पानी चला देते हैं। आजकल इनका नहर का पानी नहीं आ रहा है तो इसलिए इन्होंने इस प्रकार पानी दिया है ट्रैक्टर से, नहीं तो पानी ये खुला ठीक हो जाएगा। ये 18x18 वाला पौधा है जो लगभग 1.5 से 1.75 वर्ष का है, तो इसकी कटिंग की हमने, चूंकि ये 18x18 पर है तो ये देखिए, ये जो ये वाली शाखा है हमने लगभग 2 फीट की रखी है और इसमें से ये 1, 2, 3, 4, 5 शाखाओं का चयन किया है। इसके बाद जो ये पौधे हैं इन्होंने कहा कि अभी इनको रहने देते हैं, तो इनकी कटिंग हमने थोड़ी छोटी कर दी चूंकि ये बहुत पास लगे हुए हैं, 1 फीट पर कर दिया। फिर ये 18 फीट का पौधा है, फिर हमने इसे 2 फीट पर किया। तो मैंने इन्हें कहा कि बीच में जो ये नाली सी बनी हुई है इनकी, ये देखिए ये नाली सी है बनी हुई, कि इसको इस तरह से कराइए, तो 5-6 दिन का कार्य है, हो जाएगा। तो ये देखिए लोग कर रहे हैं और ये कितना सुंदर लगने लगा। ये देखिए पूरी लाइन, देखिए आप इसको, ये हमने इस प्रकार कर दिया। ये पूरी लाइन की कटिंग मैंने खुद की थी इसमें, और अब मैंने कहा कि ये जो बराबर में लाइन है, ये जो हमने नाली बनाई है, हम पानी इस नाली में छोड़ेंगे और इसके बराबर दूसरी तरफ है हम पानी इसमें छोड़ेंगे और इसकी बराबर तक रखेंगे। आप देखिए ये इन्होंने मेड़ बनाई है एक इसके पास में, तो इसमें जब पानी भरकर छोड़ेंगे तो यहाँ तक उसकी जो पौधे से 1 फीट दूर तक है उसकी सिला भी आएगी अच्छी तरह से।
आप कितना भी पानी दीजिए, प्रत्येक सप्ताह दीजिए, 3 दिन में एक बार दीजिए, जैसी आवश्यकता होगी वहां नमी जाएगी। और अब मैं इन्हें खाद का शेड्यूल दूंगा, ये पौधे से 1 फीट दूरी पर हम खाद लगाएंगे और खाद देकर हम इसमें पानी देंगे और फिर आपको इस पौधे को लगभग फरवरी में मैं फिर दिखाऊंगा कि कितने अच्छे होंगे। जब इनमें से नए कल्ले निकलेंगे तो हम उनका चयन करेंगे कि बहुत ज़्यादा कल्ले नहीं रखेंगे, और यहाँ से जो कल्ले निकलेंगे हमारे उनको फिर हम लगभग 1.5 से 2 फीट पर काटेंगे। ये काम हम मई में करेंगे और जब मई में कटिंग करेंगे तो ये जून में फ्लावर देगा हमारे को और सर्दियों की फसल लेंगे हम इससे। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको विनोद। विनोद जी, आपका स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। तो जो हमारे दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, थोड़ा इन्हें अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि आपने ये काम क्यों शुरू किया और यहाँ पर क्या कोई और बाग वगैरह है और इसे आपने क्या सोचकर शुरू। विनोद कुमार, गांव किक्कर वाला रूपा का रहने वाला हूँ, तहसील फाजिलका। और यहाँ ये फाजिलका से लगभग 10-12 किलोमीटर पे है। तो यहाँ एक्चुअल में ये किस वजह से शुरू किया ये थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ धान और गेहूँ की जो कन्वेंशनल खेती या जो रिवायती खेती हमारी होती रही है, हम उससे थोड़ा सा हटके कोई और नया तौर तरीका ढूंढना चाहते हैं। इससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल रहा हमारे को, तो इस वजह से ये मैंने अमरूद की खेती चुनी है। इसमें एक तो क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं होता, और साथ में इसमें मेहनत कम है, और साथ में इसमें रिटर्न्स जो है आमदन भी ज़्यादा है। अभी तो आपको आमदनी नहीं हुई तो कैसे कह सकते। तो सर आमदनी अड़ोस पड़ोस के गांवों की सुनते हैं ना जी। अच्छा। तो हमारे पड़ोसी गांव में जैसे बेगा वाली गांव है, वहाँ जो है अमरूद की खेती हो रही है। तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा रिस्क भी लेके देखते हैं भी होता है या नहीं होता, तो इस उम्मीद से कि भी कुछ ना कुछ नया करेंगे तभी पता चलेगा भी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उम्मीद ये है भी इससे हमारे को आमदन अच्छी होने वाली है। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि आपने ये हिसार सफेदा क्यों चुना। ये सर नई वैरायटी है, और नई वैरायटी यहाँ आस पड़ोस में पिछले 3-4 साल से हिसार सफेदा जैसे अबोर एरिया में अच्छी डिमांड है। अच्छी डिमांड है काफी और लोगों ने लगाया भी है और कामयाब भी। सवाल ये बताइए कि आपने ये 18x18 पर ही क्यों लगाया पहले। वो तो सर हमारे को जो जहाँ हम प्लांट्स लेके आए थे, पौध लेके आए थे जहाँ से, उन्होंने कहा था या तो आप 20x20 या 18x18। सवाल ये है कि 18x18 पर लगाने के बाद, जो कि आपका सही निर्णय था चूंकि आप पहली बार कर रहे थे, उसके बीच में ये दो पौधे जो है आपने फिर उसके अलावा सफेदा के 6-6 फीट पर क्यों लगाए। सर वो मैं थोड़ा लालचवश हो गया, मैंने सोचा कि थोड़ा नजदीक करके देख लेते हैं। कुछ किसान यहाँ अबोर एरिया के अंदर उन्होंने 10x10 पे लगाए हैं, कुछ मैंने वीडियोस भी देखे तो उसमें लोग 6x6 पे लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा भी मेरा 2-2.5 एकड़ का ट्रायल है तो क्यों ना 2 एकड़ में मैं इसको भर देता हूँ अच्छे, तो कुछ होगा जैसा होगा वैसा ही फिर अपने कुछ कम हो जाएगा या जो भी है तो देखेंगे। एक बार मेरा मन थोड़ा सा इस तरफ ठीक है डाइवर्ट हो गया। विनोद जी ये बताइए कि मैं आपका कल शाम से आपके साथ हूँ और यहाँ पर जो बताया है, हाँ जी, क्या आपको उससे कुछ लगा के हाँ आपका ने जो जितना खर्चा किया है उसका कुछ फायदा होगा, या अभी तक कुछ लगा है कि हाँ जो मैंने बात बताई है वो ठीक बताई है। हाँ बिल्कुल लगा है जी। मैं अमेजिंग किसान को पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ और 1.5 साल से मैंने प्लांट्स लगाए हैं। तो डॉक्टर त्यागी के जो अमेजिंग किसान चैनल है वो बहुत ही जो है जानकारी से भरपूर और हमारे फायदे का, जो किसानों के लिए बड़े फायदे की चीज़ है ये। तो मैं बिल्कुल, मेरे को इनकी देखरेख में जो है बड़ा उम्मीद है भी बहुत अच्छा मेरे को लाभ मिलेगा। नई कटिंग के बारे में बताया इन्होंने, खाद के बारे में बताया है, पानी कैसे लगाना है वो बताया है। तो अभी आपको देखा होगा आपके जो ये खाली बन रही है ये इनकी देखरेख में ये बनवा रहे हैं। कटिंग मैंने, सेकंड कटिंग हो रही है मेरी, तो इनके देखरेख में ये मैं इनके फार्म पे भी गया और इनको कहा भी आप विजिट कीजिए। तो अब सेकंड कटिंग जो है मेरी इनकी देखरेख में हो रही है।
देखिए अब इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये तो इनका बेटा है, ये खुद ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन अब इसे सुबह से सीखा है और ये इस प्रकार कटिंग कर रहा है इनकी, और कटिंग के बाद नए कल्ले निकलेंगे और उनका सृजन होगा। हम इसमें खाद लगाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल से, कि इनके पौधे बहुत अच्छे होंगे और इन्हें फायदा अवश्य होगा। किसान साथियों, इतना सुंदर गांव, और जो मैंने पहले धीरे साहू जी का बताया था उससे भी सुंदर गांव, छोटा सा गांव है, 350 घर हैं इसमें, और विनोद जी खुद सरपंच हैं इस गांव के, तो इतना अच्छा लगा कि मुझे तो मतलब मैं हतप्रभ रह गया। एक चीज और दिखाऊं, इनके खेत के पास में ये देखिए एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये नवोदय विद्यालय है इनके गांव में, और इनके गांव में मैं आपको और दिखाऊंगा कि जो प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, चूंकि ये सरपंच है, इतनी अच्छे सड़कें बनाई हुई हैं, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम हैं, जो कि समस्या ये है कि कहीं ये बंद ना हो जाए। और ये देखिए कितने खूबसूरत घर हैं, ये इनका परिवार है सारा, जो जिसे हमारी तरफ कुनबा बोलते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।